नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र प्रसाद और इस समय आप मेरे चैनल राज फोटोटेक को देख रहे हैं। इस एपिसोड में हम लोग सीखेंगे कि लाइटरूम में स्किन को कैसे सॉफ्ट किया जा सकता है। आज की दुनिया में लोग फैशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आज प्रचलित फैशन की ही तरह लोग दिखना चाहते हैं। अक्सर फोटोग्राफर्स को ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं जो मैगजीन या ऑनलाइन मॉडल्स की तरह तस्वीर खिंचाना चाहते हैं, जिनके चेहरे सॉफ्ट और अट्रैक्टिव रहते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम यह सीखने जा रहे हैं कि लाइटरूम में स्किन को कैसे सॉफ्ट बनाया जाए। ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो एडिटिंग में स्किन सॉफ्टनिंग पर सवाल खड़ा करते हैं। निश्चय ही स्किन को सॉफ्ट किया जाए या नहीं, यह एक पर्सनल चॉइस है। पर आप अगर किसी मॉडल के डिजिटल फोटोग्राफ को देखें और उसके वास्तविक चेहरे को देखें तो आपको महसूस होगा कि वे फोटो में कुछ ज़्यादा ही उम्र दराज नज़र आ रहे हैं। डिजिटल कैमरे चेहरे के पोर्स और उन छोटे इम्परफेक्शंस को भी पकड़ लेते हैं जिसे आंखें देख नहीं पाती, इसलिए स्किन को थोड़ा सॉफ्ट करना जरूरी हो जाता है ताकि वे नेचुरल लगें। लेकिन ध्यान रहे कि स्किन की ज़्यादा सॉफ्टनिंग कभी नहीं करें। मैंने अक्सर यह देखा है कि वयस्क लोगों की स्किन को एडिटर्स ने इतना सॉफ्ट बना दिया कि वे एक युवा की तरह दिखते हैं। ऐसा कदापि न करें। यह ठीक है कि स्किन रिटचिंग के लिए फोटोशॉप में बहुत से एडवांस टेक्निक्स हैं, जबकि लाइटरूम आसान और ऐसे तरीके हमें प्रदान करता है जिससे हम तुरंत ही स्किन की सॉफ्टनिंग कर सकते हैं। अगर आप लाइटरूम में स्किन सॉफ्टनिंग करना सीख जाते हैं तो अपने क्लाइंट को आप मिनटों में पोर्ट्रेट बनाकर दे सकते हैं, जिससे आपका समय तो बचता ही है और आपके क्लाइंट भी खुश हो जाते हैं। स्किन सॉफ्टनिंग से स्किन के पोर्स और फाइन लाइंस गायब हो जाते हैं और वह ज़्यादा आकर्षक लगता है। स्किन सॉफ्टनिंग के पहले आप अपनी इमेज को तैयार कर लें, उसके दाग धब्बों मुहासों को हटा दें, उसकी कलर और एक्सपोजर को सही कर लें। अंडर एक्सपोज्ड इमेजेज में स्किन के पोर्स और एक्नी और धब्बे ज़्यादा नज़र आते हैं, इसलिए उसे ज़रूर ठीक कर लें। आगे बढ़ने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया अभी कर दें ताकि नए आने वाले ट्यूटोरियल्स की सूचना आपको मिलती रहे। लाइटरूम में हम एडजस्टमेंट ब्रश की मदद से स्किन की सॉफ्टनिंग करते हैं। एडजस्टमेंट ब्रश लाइटरूम का एक बहुत ही पावरफुल टूल है, जिसे अगर आप ठीक से काम लेना जान जाएंगे तो आप फोटोशॉप का इस्तेमाल किए बगैर बहुत से मैनिपुलेशन लाइटरूम में ही कर लेंगे। हम सभी जानते हैं कि ब्रश की मदद से हम रंग का इस्तेमाल कर पेंट कर सकते हैं, पर एक लाइटरूम यूजर ने एडोबी को लिखा कि हम नॉर्मल ब्रश नहीं बल्कि डिजिटल ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप हमें ऐसी सुविधा क्यों नहीं प्रदान करते कि हम एक्सपोजर, ब्राइटनेस, शार्पनिंग को भी ब्रश की मदद से पेंट कर सकें। एडोबी ने इस अनुरोध के जवाब के रूप में अपने 2008 के वर्जन में एडजस्टमेंट ब्रश को लाइटरूम में जोड़ दिया। आप इस एडजस्टमेंट ब्रश की मदद से ब्राइटनेस, सैचुरेशन, क्लैरिटी को इमेज के किसी चुने एरिया पर पेंट कर सकते हैं। किसी खास एरिया पर कोई एडिटिंग करने के लिए फोटोशॉप में हम लेयर्स और मास्क का इस्तेमाल करते हैं, पर यहाँ आसानी से उनके बगैर यह काम किया जा सकता है। इसके लिए एडजस्टमेंट ब्रश का इस्तेमाल होता है। स्किन सॉफ्ट करने के लिए सबसे पहले मीनू बार में एडजस्टमेंट ब्रश को चुनें या इसके शॉर्टकट क्यू को दबाकर भी हम एडजस्टमेंट पैनल को खोल सकते हैं। जब आप एडजस्टमेंट ब्रश सेलेक्ट कर लेंगे तो उसमें आपको इफेक्ट मेनू दिखेगा। इफेक्ट जहां लिखा है उसके दाहिनी तरफ आपको डबल एरो दिखेंगे, आप उस पर क्लिक कर दें। आपके सामने एक प्रीसेट की लिस्ट खुल जाएगी। यहां आप सॉफ्टन स्किन पर क्लिक करके उसे चुन लें, जैसा कि मैं यहां कर रहा हूं। स्किन को स्मूथ करने के पहले ब्रश टूल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ब्रश की मदद से ही हम इमेज के किसी खास एरिया पर सही तरह से पेंट कर उसे स्मूथ करेंगे। ब्रश की साइज, फीडर, फ्लो और डेंसिटी को सही ढंग से सेट करना जरूरी है ताकि हम जरूरत के अनुसार उसका उपयोग कर सकें। एडजस्टमेंट पैनल के नीचे आप इन स्लाइडर्स की मदद से ब्रश की साइज, फीडर को चेंज कर सकते हैं।
इसके नीचे दो और स्लाइडर्स होते हैं जो ब्रश के फ्लो और डेंसिटी को सेट करने के काम में आते हैं। फ्लो यह निर्धारित करता है कि इफेक्ट कितनी सख्ती से इस्तेमाल किया जाएगा और डेंसिटी इफेक्ट की ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करता है। अपना काम आसान बनाने के लिए आप इस ऑटो मास्क बटन को जरूर प्रेस कर दें। इससे ब्रश के स्ट्रोक्स उसी स्थान पर लगेंगे जिसका रंग पेंटिंग किए जा रहे स्थान के ऐसा होगा। अब जब आपकी सेटिंग्स हो चुकी है तो आप पोर्ट्रेट के स्किन पर पेंट करना शुरू कर सकते हैं। आप उन स्थानों पर पेंट करना शुरू कर दें जिसे आप सॉफ्ट बनाना चाहते हैं। आसानी के लिए इमेज की साइज को बड़ा कर लें। यह ध्यान दें कि ब्रश की साइज सही हो जिससे कि आप स्किन के एरिया को जल्दी और सही ढंग से पेंट कर सकें। आप लेफ्ट और राइट ब्रैकेट्स की सहायता से ब्रश की साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। लेफ्ट ब्रैकेट से ब्रश का साइज छोटा होता है और राइट ब्रैकेट से ब्रश का साइज बड़ा होता है। यह उससे भी एक आसान तरीका है जिसे आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। आप माउस व्हील को ऊपर कर ब्रश के साइज को बड़ा कर सकते हैं और माउस व्हील को नीचे की तरफ ड्रैग करके उसे ब्रश के साइज को छोटा कर सकते हैं। जहां से आप पेंट करना शुरू करेंगे वहां आपको एक ब्लैक पॉइंट दिखेगा जो बतलाता है कि ब्रश पेंट कर रहा है। ब्रश किस एरिया पर पेंट कर रहा है इसे अच्छी तरह देखने के लिए इमेज के नीचे शो सेलेक्टेड मास्क ओवरले को सेलेक्ट कर लें। इससे आप जिस एरिया पर पेंट करेंगे वह लाल मास्क से ढक जाएगा। धीरे धीरे उन सभी एरियाज को पेंट करें जिसे सॉफ्ट करना है। ध्यान रहे कि आंखों, ओठ, नाक के छिद्रों को सॉफ्ट न करें। पेंट करने के बाद आप देखेंगे कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जिन पर आपने पेंट कर दिया है जहां की नहीं करना चाहिए था और वे भी सॉफ्ट हो गए हैं। डरिए नहीं, आपको अपनी पेंटिंग फिर से शुरू नहीं करनी है। इसे ठीक करने के लिए ब्रश पैनल में इरेज को क्लिक कर दें। उन एरिया पर पेंट करें जहां से आप स्मूथिंग इफेक्ट को हटाना चाहते हैं। जब आपका काम हो जाए डन बटन को प्रेस कर दें। अब ब्लैक स्लैश बटन को दबाकर पहले और बाद की इमेज की आप तुलना कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे चंद मिनटों में आपने इमेज के स्किन को स्मूथ बना दिया है। स्किन स्मूथ करने की कला जानना वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस पहले से कर लें। आशा है आपको यह ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अब मुझे आज्ञा दें, अगले ट्यूटोरियल में फिर आपसे मुलाकात होगी। आपका दिन मंगलमय हो। आशा है यह ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया बेल आइकॉन को दबा दें। इस अंक में इतना ही। अब नए वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। गुड बाय फॉर नाउ।